Hello everyone, welcome to LK Academy. Today we'll continue with your current affairs where we last left off. So last time in aapko homework mein diya tha, what is the name of the current home secretary? Okay, union home secretary. So unka naam hai Shri Ajay Bhalla. Aapko yahan pe slide pe unka cadre, unki educational qualification aur work experience aapko dekhne ko milega. Okay, aapko wo detail mein jaane ki zarurat nahi, aapko just ye naam yaad rakhna hai. Okay. Now our first important topic for today is WMA, borrowings of the state. Okay, so what is WMA? That is ways and means advances. Okay, तो ये चीज आपकी जुड़ी हुई है RBI के साथ, और RBI जो एडवांस में जो पैसे देती है गवर्नमेंट को, उसके साथ ये टॉपिक जुड़ा हुआ है. अब कब गवर्नमेंट को एडवांस में पैसों की जरूरत पड़ेगी? जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे. ओके, सो वो जो WMA की लिमिट है उसको बढ़ा कर कितना किया गया है, 60% हायर कर दिया गया है. ओके, जो अर्लियर WMA के जो स्टैंडर्ड थे, जो नॉर्म्स थे, उसमें 60% हायर लिमिट कर दी गई है. क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि COVID-19 की वजह से जो सारे स्टेट्स हैं उनको अपने बजट से पैसा निकाल कर कहाँ पर डालना पड़ रहा है COVID-19 के लिए. पता है ना, गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है. जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, जो माइग्रेंट पीपल हैं, उनको खाना खिला रही है. मेडिकल इक्विपमेंट्स के पीछे काफ़ी खर्चा कर रही है. जो इकोनॉमी बंद पड़ी है अपनी, ओके, सारी फैक्ट्रीज और सारी चीज़ें जो बंद पड़ी है लॉकडाउन की वजह से, उनको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को अपने बजट से पैसा, एक्स्ट्रा पैसा निकाल कर मार्केट में लगाना पड़ रहा है. इसकी वजह से ये चीज़ की गई है. ओके, अब WMA होता क्या है, मैं आपको एकदम बेसिक सी चीज़ अगर बता दूँ. ओके, जस्ट आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा. दिस इज the expected revenue of the government for, let's say, for the year 2020-21. okay, jo ki budget mein bataya gaya hai ki bhai ye hamara expected revenue hai, and uske samne ye ho jata hai sarkar ka revenue, expected expenditure. okay, ab jab aapki income yahan tak hai, okay, aur aapka jo expenditure hai wo aapka high ho ke yahan tak ja raha hai, ओके, तो गवर्नमेंट ने जो इतना पैसा या ये जो ज्यादा पैसा जो खर्च किया है, ओके, ये जो ज्यादा पैसा खर्च किया है, ओके, वो गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा? ओके, तो वो गवर्नमेंट लेंड करेगी फ्रॉम दी RBI. ओके, RBI से ये पैसा लेंड किया जाएगा. ओके, अब RBI पैसा लेंड कर रही है तो उसमें कुछ ब्याज भी लेगी. वो ब्याज कितना लेगी? एज पर दी रेपो रेट. ओके, जितना बैंकों का रेपो रेट है उतना ही ब्याज सरकार भी RBI को चुकाएगी. अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ताकि जो गवर्नमेंट के जो काम है, जो एक्सपेंडिचर है COVID-19 के पीछे के, वो अटके ना पड़े. अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी. काम नहीं कर पाएगी तो जो जनरल पब्लिक है उनको ही सफ़र करना पड़ेगा. ऐसा ना हो इसीलिए RBI ये सोल्यूशन के साथ आया है. ओके, चलिए. The states welcomed the RBI move to allow 60% higher borrowing under ways and means advances, but said it is a temporary relief and will not only a marginal impact upon the fiscal crisis the states are facing. तो ये कुछ एक दो महीने के लिए गवर्नमेंट को पैसा मिल भी सकता है. ओके, जैसे ही सारा लॉकडाउन खत्म होगा, तुरंत तो इकोनॉमी ट्रैक पे नहीं आने वाली, तो तुरंत तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ जाएगा RBI को रीपे करने के लिए. तो इसीलिए स्टेट्स का ये कहना है कि अभी टेम्पररी रिलीफ हमें ज़रूर मिलेगा, बट इससे इकोनॉमी में, स्टेट की इकोनॉमी में कोई फ़ायदा नहीं होगा. ओके, दे आर सेइंग दैट दे कैन नॉट गो लॉन्ग फॉर वेज एंड मीन्स एंड दे हैव टू स्लैश देयर एक्सपेंडिचर टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज दे डू नॉट हैव मनी एवेन्यूज लेफ्ट फॉर रेवेन्यू ऑगमेंटेशन. ओके, तो जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा ही नहीं तो RBI को रीपे कैसे करेंगे? बट RBI तो रीपे करना होगा. क्यों रीपे करना होगा? क्योंकि ये 90 डेज का क्लॉज है. 90 डेज के बाद आपको पैसा रीपे करना है. ओके, दे सेड बैंक आर नॉट विलिंग टू लेंड फॉर दी लॉन्ग टर्म लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी बिकॉज ऑफ देयर लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस. तो बैंक तो अपना फायदा ही देखेगी, राइट, एंड दैट्स वाई ज़्यादा टाइम के लिए गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया जा रहा है. ओके, और इसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है कि स्टेट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला है कि भाई आपका जो FRBM एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट,
आई होप दिस टॉपिक इज नाउ क्लियर। ओके, क्योंकि आपको आने वाले एक साल में कोई भी एग्जाम में ये बार बार पूछा जा सकता है FRBM एक्ट, क्योंकि इकोनॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धीरे धीरे टॉपिक बनता जा रहा है। ओके, सो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट एक्ट में जो फिस्कल बोरोइंग का कैपिंग है, ओके, फिस्कल बोरोइंग का जो लिमिट है वो कितना रखा गया है, 3%। वॉट डज दिस 3% मीन्स कि अगर आपकी इनकम अगर 100 रुपये है तो उसके सामने आप खर्च कितना कर पाओगे, सिर्फ 103 रुपये। ओके, तो आपका फिस्कल डेफिसिट 3 रुपये से ज़्यादा, 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रेवेन्यू डेफिसिट आपका कितना होना चाहिए, 0%। ओके, रेवेन्यू साल दर साल आपका बढ़ना ही चाहिए, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है। ओके, अंडर द FRBM एक्ट फॉर द ईयर 21-22। ओके, चलिए। और ये देखिए COVID-19 में क्यों RBI इतना हेल्प कर रही है, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से इसको एक्ट ऑफ वॉर और नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर किया गया है। ओके, दैट्स वाई RBI इज हेल्पिंग दिस मच। द RBI कैन ऑल्सो अंडरटेक इंक्रीज सेकेंडरी मार्केट परचेजेस एंड सेल्स ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो RBI अब आने वाले समय में ये भी करेगी कि जो बॉन्ड्स है गवर्नमेंट के उसको बाई करने के लिए ट्राई करेगी। ओके, ताकि गवर्नमेंट को पैसा मिल पाए। ओके, नाउ वॉट इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस, द WMR शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटीज। ओके, अब इसको देखिए, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, जैसे मैंने समझाया कि भाई खर्च के इनकम के सामने अगर आपका खर्च बढ़ जाएगा तो वो जो ज़्यादा पैसा जो आपने खर्च किया है वो आपको कौन देगा, RBI देगी। ओके, अभी भी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इन योर डे टू डे लाइफ यू ऑल्सो यूज दिस WMA फैसिलिटी। हाउ? All of you must have heard about credit card. Okay, credit card के बारे में सबने सुना है। अब credit card में क्या होता है, आपके पास तो पैसा है नहीं, मान लीजिए आपको अगर 17th of March को कोई चीज खरीदनी है, let's say air condition आपको खरीदना है, बट आपके पास air condition खरीदने के लिए 17 मार्च को 30,000 रुपये नहीं है और आप वेट भी नहीं करना चाहते, तो आप क्या करोगे, अपना बैंक के द्वारा इशू किया गया क्रेडिट कार्ड शोरूम में जाके दिखाओगे कि भाई ये मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, आप मुझे इसी दे दीजिए। अब बैंक वाला मेरा कोई सॉरी शॉप वाला मेरा रिश्तेदार तो है नहीं जो मुझे 10 दिन 15 दिन बाद में पैसा दूंगा तो चलेगा। ओके, बट मैं बैंक का कस्टमर हूँ, तो बैंक ने कस्टमर होने के नाते मुझे एक लेवरेज दिया है। बैंक ने मुझे ये बोला है कि भाई जब भी आपको लगे कि भाई आपके पास पैसे कम है, आप ये क्रेडिट कार्ड वहाँ पे स्वाइप कर दीजिए, बैंक अपने हिस्से का पैसा उस दुकानदार को चुका देगा। ओके, अब आफ्टर ऑल बैंक भी बिजनेस कर रहा है, तो जब फर्स्ट या सेकेंड को जब मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगी तब मुझे वो पैसा वहाँ पे बैंक को वापस चुकाना पड़ेगा, बैंक अपने आप को ऑटो डेबिट कर लेगी। ओके, बट जो 12-15 दिन के लिए मैंने बैंक का पैसा यूज़ किया वहाँ पे मुझे उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ओके, सो दिस सेम काइंड ऑफ फैसिलिटी इज गिवन टू स्टेट्स एंड द सेंटर। और यहाँ पे आपकी जो बैंक है जो आपको हेल्प कर रही है वो कौन है, RBI है। देखिए, आपका काम भी हो गया और आपको पैसों के लिए वेट भी नहीं करना पड़ा। ओके, दुकानदार को उसके पैसे ऑन द स्पॉट मिल गए, ठीक है, वो वेट नहीं कर रहा है, बैंक आपको पैसा लेंड कर रही है, शॉर्ट टर्म आपको लोन दिया जा रहा है, एंड दिस इज द सेम थिंग दैट RBI इज डूइंग, शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटीज which allow the center and the states to borrow funds from the RBI to bridge their temporary mismatch between expenditure and receipts. Okay, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इतना मेरा expenditure है और इतना मेरा receipts है, receipts means मेरी income. Okay, तो ये जो gap मुझे मिल रहा है, okay, ये gap कौन fill कर देगा, RBI ये gap fill कर देगा. Okay, ताकि देश का जो काम है वो रुक ना पाए. Okay, वो रुकना नहीं चाहिए, वो continuous चलते रहना चाहिए, जो गवर्नमेंट का टास्क है वो चलते रहने चाहिए। ओके, अब देखिए क्यों ये रेवेन्यू में रेवेन्यू अपने को कम मिल रहा है। ओके, तो जब बजट बनाया जाता है फरवरी के महीने में, अब फरवरी के महीने में गवर्नमेंट प्रेडिक्ट करती है कि दिस विल बी माय रेवेन्यू एंड दिस विल बी आवर एक्सपेंडिचर। ओके, वो कोई शॉर्ट अमाउंट नहीं होता। अब देखिए मार्च या अप्रैल में जो जॉब कर रहे हैं, जो सर्विस क्लास पीपल है, दे विल पे देयर टैक्सेस, बट वॉट अबाउट अदर पीपल, वॉट अबाउट बिजनेस क्लास पीपल। ओके, सो वो जो बिजनेस क्लास पीपल जो है
वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ कुछ टैक्सेस जो है वो हर महीने भरेंगे, कुछ कुछ टैक्सेस होंगे जो वो साल में 2 बार भरेंगे, कुछ कुछ टैक्सेस ऐसे होंगे जो साल में 4 बार भरे जाएंगे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, आपके आपने शॉप लैंड की, अगर आपने ज़मीन ओन करते हो, ओके, तो वो सारी चीज़ें आप साल अप्रैल या मार्च या अप्रैल में नहीं भरोगे, वो साल के किसी और महीने में आप भरोगे। तो गवर्नमेंट के पास हर साल हर महीने अलग अलग अमाउंट में पैसा आता रहेगा। और देखिए, अब इस बार तो बजट में हमको पता ही नहीं था कि भाई COVID-19 जैसी कोई सिचुएशन आने वाली है। मार्च के बाद वो चीज़ स्टार्ट हुई, मिड मार्च के बाद वो चीज़ स्टार्ट हुई, तो गवर्नमेंट का जो पूरा प्रेडिक्शन था वो क्या हो गया, उल्टा पड़ गया। ओके, सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, नौकरियां बंद है, पूरी इकोनॉमी एक तरह से लॉकडाउन है। तो गवर्नमेंट के पास जो GST से या डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो रेवेन्यू आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट के पास पैसों की कटौती है। और उस पैसों की कटौती को ब्रिज करने के लिए, उसको मैच करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर के साथ RBI कम्स टू हेल्प। ओके, RBI पिक्चर में आ रही है और RBI बोल रही है शॉर्ट टर्म के लिए आप इतना पैसा ले लो, आपको इस पे ब्याज चुकाना पड़ेगा। कितना चुकाना पड़ेगा? द इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑन WMA इज दी RBI's रेपो रेट। ओके, आप जितने टाइम के लिए पैसा रख रहे हो आपको रेपो रेट जितना ब्याज दर हमको देना पड़ेगा। रेपो रेट इज बेसिकली द रेट एट विच RBI लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू बैंक। एज वी ऑलरेडी नो, द WMA लोन्स हैव अ 3 मंथ्स टेन्योर। ओके, अब देखिए 3 मंथ्स टेन्योर के बाद वापस गवर्नमेंट दे सकती है, अगर नहीं है तो ये टेन्योर बढ़ाया जाएगा। स्टेट्स आर अलाउड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 21 डेज। अगर स्टेट्स के पास 3 महीने के बाद भी पैसा अगर नहीं है, ओके, तो वो 21 डेज की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ अगेन टू जस्ट फॉर द रिविजन पर्पज, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके, हमने कहा था कि FRBM एक्ट जो 2003 में पार्लियामेंट में पास किया था, क्यों पास किया था? ताकि हम बजट में बड़े बड़े वादे तो कर लेते बट ऑन ग्राउंड सिचुएशन वैसी एक्चुअल नहीं होती, तो गवर्नमेंट को माइक्रो प्लानिंग करना पड़ेगा, माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हर एक रुपया ठीक से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने जब क्लास में थी तब हमने मेट्रो की बात की थी, बेंगलोर मेट्रो की बात की थी, बुलेट ट्रेन की बात की थी, राइट, कि महाराष्ट्र में नई गवर्नमेंट आने के बाद उसका काम रोक दिया गया है, अब तक का जो पैसा था वो कहाँ खर्च हो गया, कोई हिसाब नहीं है अपने पास। तो ये सारी चीज़ें ओवरकम करने के लिए FRBM एक्ट लाया गया था। ओके, और 2008-2009 ड्यूरिंग बाई द 2008-2009 इट वॉज डिसाइडेड अंडर दिस एक्ट दैट फिस्कल डेफिसिट शुड बी कैप्ट एट 3% ऑफ द GDP। ओके, बट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यूरिंग 2008-2009 देर वॉज अ US क्राइसिस एंड देर वॉज अ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू दैट, और उसकी वजह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो 6.8% तक पहुंच गया था। ओके, जस्ट पॉज दिस वीडियो, अपना नोट निकाल लीजिए, मैंने जो आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करवाया उसको एक बार देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट इट। ओके, कुछ नई चीज़ यहाँ पे नहीं है। ओके, तो 6.8% हो गया था। उसके बाद 2007-2008 में FRBM एक्ट को होल्ड पे रख दिया गया। ओके, क्योंकि ये सारी इकोनॉमिकल क्राइसिस ग्लोबली चल रही थी तो हमको लगा कि भाई हम इसको रीच आउट नहीं कर पाएंगे, हमारे जो गोल्स है अंडर द FRBM एक्ट वी विल नॉट बी एबल टू रीच इट आउट। ओके, उसके बाद आफ्टर दी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट केम इन 2014, ओके, अगेन FRBM एक्ट केम इन टू पिक्चर एंड इन 2016, ओके, इन 2016, यहाँ पे आपको 2016 कर लेना है। ओके, इन 2016 FRBM रिव्यू कमिटी वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ NK सिंह, ओके, हु इज दी चेयरमैन ऑफ द फिनेंस कमीशन, ओके, द करंट फिनेंस कमीशन, 15th फिनेंस कमीशन। ओके, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ओके, और उस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन दिए गए, कुछ नए रिकमेंडेशन दिए गए जो पिछले एक्ट में नहीं थे। क्या थे वो रिकमेंडेशन? डेब्ट टू GDP रेशियो ऑफ 60% शुड बी टारगेटेड विथ 40% फॉर दी सेंटर एंड 20% फॉर दी स्टेट्स। ओके, सो अगर स्टेट्स को कोई उधार लेना है तो वो 20% ओवर जा सकते हैं, स्टेट सेंटर को अगर उधार लेना है तो वो 40% जा सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू GDP। तो टोटल जो सेंटर प्लस स्टेट का जो डेब्ट टू GDP रेशियो होगा वो कितना होगा? 60% होगा।
और एक खास चीज़ इसमें जोड़ी गई, क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस फिस्कल काउंसिल, जो ऑटोनोमस तरीके से FRBN एक्ट के जो टारगेट है वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे उसको रिव्यू कर सके, उसको स्क्रूटिनाइज कर सके। एस्केप क्लॉज की बात भी हमने की थी कि जब भी अगर वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हो, नेचुरल कैलिमिटी हो, या तो कोई कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस किए जाए इकोनॉमी में, ओके, तब जाके गवर्नमेंट एस्केप क्लॉज यूज कर सकती है, ओके, एज एन एक्सक्यूज के लाइक भाई हमने ये वॉर था या इस साल हमारे पास नेचुरल कैलेमिटी आ गई थी, इसलिए हम जो बजट के टारगेट्स थे उसको रेवेन्यू और फिस्कल के जो टारगेट थे उसको हम पूरा नहीं कर पाए, ओके। सो फॉर फिनेंशियल ईयर 2020 गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी यूज्ड द एस्केप क्लॉज, ओके, क्यों? क्योंकि जो GST लाया गया और नोटबंदी लाया गया उसको गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यूज कर लिया है कि भाई उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो GDP ग्रोथ है वो थोड़ा क्या रहेगा, कम रहेगा, ओके। और देखिए डेविएशन 0.5% का डेविएशन फिस्कल डेफिसिट में दे दिया गया है, इसका क्या मतलब है कि टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट से अगर 0.5% हम ज्यादा भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट वॉज द प्रोविजन अंडर द एस्केप क्लॉज, ओके। एंड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट 2021 करंट बजट, ओके, करंट ईयर बजट, द गवर्नमेंट फिक्स्ड द फिस्कल डेफिसिट टारगेट ईयर फॉर द ईयर 2021 एट 3.5% ऑफ द GDP, जो कि शायद बढ़ जाएगा, ओके, 3.5% नहीं रहेगा, उससे बढ़कर हो सकता है कि 4.5% या 6% तक पहुंच जाए, इन दोनों के बीच में अपना फिस्कल डेफिसिट जाने की पॉसिबिलिटी है ड्यू टू द ग्लोबल एंड नेशनल लॉकडाउन, ओके। सो दिस इज द FRBM एक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ओके। चलिए अनदर इम्पॉर्टेंट एक्ट, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ओके। एक्ट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भाई अगर कुछ लॉ के अपोजिट अगर आप कुछ कर रहे हो सो दैट विल फॉल अंडर दिस, ओके। अब ये कौन सी एक्टिविटीज है, तो बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज जो आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मीन्स इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को तकलीफ पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए या डैमेज करे, ओके। सो ये क्यों न्यूज में है, सो रिसेंटली मैनी एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट एंड स्टूडेंट्स हैव बीन बुक्ड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज शॉर्टली नोन एज UAPA इन द डिफरेंट केसेस अक्रॉस द कंट्री। UAPA वॉज फर्स्ट पास्ड इन 1967, अभी 2019 में उसमें अमेंडमेंट हुआ है जो हम नेक्स्ट पेज पे जिसका डिस्कशन करेंगे। इट एम्स एट अफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया, ओके। तो बेसिकली अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ आप जुड़े हो जो कि नेशनल सिक्योरिटी को उससे खतरा हो, ओके, सो गवर्नमेंट आपको विदाउट एनी वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है, ओके। अनलॉफुल एक्टिविटी रिफर्स टू एनी एक्शन टेकन बाई एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन intended to disrupt the territorial integrity and sovereignty of India. The act assigns absolute power to the central government by way of which if the center deems an activity as unlawful, then it may by way of an official gazette declare it so. ठीक है, कोई कोर्ट का वारंट की जरूरत गवर्नमेंट को नहीं है। गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि भाई ये बंदा ये ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, ओके, तो उनको सीधा अरेस्ट करके समन किया जा सकता है। इट हैज़ अ डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज हाईएस्ट पनिशमेंट, ओके, तो ये उसकी पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अंडर UAPA बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज्ड। हो सकता है कि वो फॉरेन नेशनल इंडिया में बैठ के इंडिया के अपोजिट में कोई प्लान बना रहा हो, या फॉरेन लैंड पे भी अगर वो कोई प्लान बना रहा हो, अगर वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की नज़र में अगर आ जाता है और पकड़ा जाता है तो उस पर ये चार्ज किया जाएगा और उस पर जो चार्जेस हैं वो अंडर द UAPA एक्ट लगाए जाएंगे, ओके। अंडर UAPA बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज, इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इवन इफ द क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया, ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओके, कि अगर फॉरेन लैंड भी है तो वहां पे भी
उसको पकड़ा जा सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और यूएपीए में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी, विच इज़ नाउ एनआईए, ओके, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो वो लोग चार्जशीट ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन दिए जाएंगे उनको, ओके, लगभग 6 महीनों का समय दिया जाएगा समन करके कोर्ट के पास उसको पेश करने के लिए, ओके, एंड ड्यूरेक्शन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर आफ्टर इंटीमेटिंग द कोर्ट। और अगर इस 6 महीने में अगर पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कोर्ट के इंटीमेशन के बाद ये ड्यूरेशन और भी बढ़ाया जा सकता है, ओके। चलिए, इन 2004 अमेंडमेंट टेररिस्ट एक्ट लिस्ट वॉज एडेड, ओके, और ये लिस्ट में क्या क्या किया गया था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ी हुई थी नेशनली या इंटरनेशनली, ओके, कश्मीर की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, ईरान की, तो इन सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इवन फ्रॉम बांग्लादेश, इवन फ्रॉम श्रीलंका, ओके, सो उनको टेररिस्ट एक्टिविटी के अंडर में बैन कर दिया गया, ओके, 34 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दिए गए हैं, ओके, टिल नाउ, टिल 2004 अनलॉफुल एक्टिविटीज रिफर्ड टू एक्शन रिलेटेड टू सिसेशन एंड सेशन ऑफ द टेरिटरी। इन ऑगस्ट 2019 पार्लियामेंट क्लियर्ड द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज अ टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट, ओके। द एक्ट एम्पावर्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए to grant approval of the seizure or attachment of property when the case is investigated by the said agency, okay, to agar NIA ke jo director general hai ya to state ke jo police head hai unki permission se agar lagta hai ki bhai ye property ya ye land past mein kisi bhi tarah terrorist activity mein directly or indirectly use hui hai, ओके, तो उनको सीज किया जा सकता है, ओके। द एक्ट एम्पावर द ऑफिसर्स ऑफ एनआईए ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबोव टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ टेररिज्म इन एडिशन टू दोज कंडक्टेड बाय डीएसपी और एसीपी और अबोव रैंक इन द स्टेट, ओके। चलिए, आई होप दैट इज क्लियर, दैट वॉज क्वाइट एन ईजी अमेंडमेंट एक्ट फॉर अस, ओके। Now the most important topic that oil prices are running below zero. Okay, अब ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए पहले मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ, थोड़ी इकोनॉमिक से रिलेटेड ये बात है, डिमांड और सप्लाई के बारे में, ओके, सोचिए थोड़ा वीडियो पॉज करके कि आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में और इकोनॉमी के बारे में क्या पता है, ओके, चलिए। सो व्हेनेवर डिमांड इंक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस एंड व्हेनेवर डिमांड डिक्रीजेस प्राइस ऑल्सो गोज डाउन। अब ऐसा क्यों होता है? सादा सा लॉजिक है, अगर मैं कोई दुकानदार हूँ, ओके, और मैं कुछ एक मोनोपोली वाला अगर कुछ प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ओके, जिसकी काफी ज्यादा डिमांड है, 10 यूनिट अगर मेरे पास पड़े हैं और अगर दुकान के बाहर अगर 100 लोग उसको लेने के लिए खड़े हैं, तो एज अ शॉपकीपर मैं उसी को वो चीज बेचूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा दाम देगा, ओके। अब जब मेरे पास मान लीजिए कि 10 यूनिट पड़े और खरीदने वाला एक ही है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, हो सकता है कि मैं एमआरपी से भी कम भाव में उसको बेच लूं, क्यों? क्योंकि मुझे अपना स्टॉक क्लियर करना है, ओके। तो अब यही चीज हो रही है इन द इंटरनेशनल ऑयल मार्केट, ड्यू टू द लॉकडाउन इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंट्री, ओके, और उसका रीजन है कोविड-19, जो ऑयल डिमांड है, ओके, वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। अब इसकी वजह से जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है उनके पास ऑयल लेने वाला कोई कंज्यूमर ही नहीं है, ना इंडिया ले रहा है, ना चाइना ले रहा है, ना यूएसए ले रहा है, ना अफ्रीकन कंट्रीज ले रहे हैं, ओके, क्यों? क्योंकि उनके यहाँ गाड़ियाँ चल ही नहीं रही है, तो उनको इतने सारे जो पहले जितनी उनकी डिमांड थी उतनी डिमांड अब उनके यहाँ कंज्यूमर कर ही नहीं रहे हैं, ओके, सो दैट्स वाई द डिमांड हैज़ गॉन डाउन, ओके, सो प्राइसेस भी धीरे 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 कम होते गए पिछले 1-1.5 महीने में। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है, और ऑयल के रिलेटेड और एक बात मैं आपको बता दूं, ओके, और वही सारी चीजें नेक्स्ट स्लाइड में लिखी हुई है, उसको समराइज करके मैं आपको बता रहा हूँ। ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है, अब क्योंकि डिमांड बंद हो चुकी है, तो उन्होंने थोड़े दिन के लिए तो अपने सारे जो
स्टोरेजेस थे, जो गोडाउन थे उनके, वहां पे उन लोगों ने ऑयल स्टोरेज करना स्टार्ट किया। बट ड्यू टू द लॉन्गर पीरियड ऑफ लॉकडाउन अब वो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी फुल हो गई है। ओके, अब वो स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो गई है तो द सिंपल क्वेश्चन अराइजेस कि भाई वो लोग अपना ऑयल प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं कर दे दे। ओके, तो ये तो वो कंट्री वालों ने भी सोचा होगा, बट ऑयल प्रोडक्शन बंद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक बार अगर ऑयल प्रोडक्शन अगर बंद कर दिया गया, ओके, तो जब उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद जो उसको रिस्टार्ट करने की बारी आएगी, तो उसको रिस्टार्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली, वो काफ़ी महंगा पड़ेगा उस पर्टिकुलर देश को। ओके, और हो सकता है कि उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन आ सके, एंड दैट्स वाई दैट प्लान, ओके, दैट फैक्ट्री नीड्स टू रन फॉर 24x7 365 अ डे। तो अब ये मजबूरी है इन कंट्रीज की कि वो लोग प्लांट बंद करना नहीं चाहते। अब जब प्लांट बंद करना नहीं चाहते और उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी फुल हो गई, अब उनके पास जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसको रखने के लिए कोई जगह नहीं है, सारे डब्बे उनके अब भर चुके हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, जो उनके कंज्यूमर है उनको डिस्काउंट दे दिया। ओके, क्यों डिस्काउंट देना पड़ा उनको, क्योंकि डिमांड नहीं था और उनके पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा था। ओके, बेसिक डिमांड एंड सप्लाई चेन वाला जो रूल है वो यहाँ पे लग रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उन लोगों ने पहले मान लीजिए कि 100 रुपये में जो पर बैरल वो लोग कंज्यूमर को दे रहे थे, अब जब डिमांड घटने लगी तो पहले कुछ दिनों में भाव घटकर 80 बैरल आ गया, उसके बाद भाव घटकर $60 आ गया, उसके बाद भाव घटकर $20 आ गया। अब सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब उन लोगों को अपना प्लांट बंद नहीं रखना है, उन लोगों को किसी ना किसी तरह थोड़ा बहुत प्रोडक्शन चालू रखना है। प्रोडक्शन चालू रखेंगे बट जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको तो किसी को देना पड़ेगा। दे आर ऑफरिंग मनी फ्रॉम देयर एंड, हम आपको फ्री में ऑयल तो देंगे ही देंगे, पर बैरल आपको $20 या $30 रुपए भी देंगे, वो आप ले जाओ और अपने यहाँ पे ऑयल यूज़ करो। ओके, तो ये सिचुएशन इंटरनेशनल मार्केट में क्रिएट हुआ है। ओके, थोड़ा अनयूजुअल सिनारियो है, बट उसको अगर लार्जर पिक्चर में जब आप देखोगे कि जब प्लांट रिस्टार्ट करने की बारी है, वो $40 दे पर बैरल दे देने से भी उनको महंगा पड़ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं $40 कस्टमर को देखे, अगर मेरे 400 रुपये बच रहे हैं तो मैं वही चीज़ करूँगा, फिर मैं 400 रुपये के लिए नहीं जाऊँगा, है ना, फिर मैं क्यों 400 रुपये अपने खर्च करूँ। तो ये अभी हो रहा है। ओके, अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि इवन इफ दी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर गिविंग मनी विथ दी फ्री ऑयल, फिर भी जो कंज्यूमर कंट्रीज है वो ऑयल लेने के लिए रेडी नहीं है। क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि उनके यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे वो ऑयल स्टोरेज कर सके, ठीक है ना। अभी अगर मैं 100 बैरल ऑयल मंगवा दूँ तो इंडिया में कौन यूज़ करेगा उसको, ठीक है ना। अब इंडियन गवर्नमेंट को अगर वो स्टोरेज कैपेसिटी बनाने जाएंगे इस टाइम में, तो वो ना तो अप्रोप्रिएट है ना ही वो इकोनॉमिकल करेक्ट है, वो उनको महंगा पड़ेगा, क्योंकि आज तक उनके पास ऐसी सिचुएशन कभी आई ही नहीं है। आज तक क्या होता था कि 100 बैरल की ज़रूरत पड़ती थी, वो लोग 100 बैरल सुबह मंगवा देते, शाम को 100 बैरल ख़त्म हो जाता था, तो उनको कभी स्टोरेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, राइट। एंड दैट्स वाई दिस सिनारियो हैज़ हैपेंड कि ऑयल प्राइजेस जो है वो ज़ीरो से भी नीचे चले गए हैं। ओके, अब इसको थोड़ा डिटेल में टेक्निकली हम लोग समझेंगे। ओके, रिसेंटली द प्राइजेज ऑफ द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ओके, नाउ वॉट इज दिस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, दैट इज़ US ऑयल फील्ड, ओके, जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट कंपनीज, USA की प्राइवेट कंपनीज जिसको मैनेज करती है। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड फेल टू -$40.32 अ बैरल। देखिए, बैरल तो एक बैरल मिलेगा ही मिलेगा आपको ऑयल का, उसके ऊपर आपको $40 भी मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, इट मीन्स दैट द सेलर ऑफ द क्रूड ऑयल वुड बी पेइंग द बायर $40 ईच बैरल दैट इज बॉट। इट इज द लोएस्ट क्रूड ऑयल प्राइस एवर रिकॉर्डेड बिलो द जीरो मार्क, while the previous lowest was recorded immediately after World War II. तो देखिए, पिछले 70-75 सालों में ये पहली बार हुआ है। वर्ल्ड वॉर टू 1945-46 में ये चीज़ हुई थी, उसके बाद 2020 में ये चीज़ अपने को देखने को मिल रही है वापस। ओके, अब ऑयल प्राइजेस कैसे डिसाइड होते हैं? तो जी, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओके, यूज्ड टू वर्क एज अ कार्टेल एंड फिक्स प्राइजेज इन अ फेवरेबल बैंड, ओके। तो सारे जो 15-20 जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो आपस में बैठेंगे और ये उनका ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नोन एज ओपेक, ओके, विच इज लेड बाय सऊदी अरेबिया, ओके। और सऊदी अरेबिया को क्यों लीडर बनाया गया है? बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, विच सिंगल हैंडेडली एक्सपोर्टिंग 10% ऑफ द ग्लोबल डिमांड, ओके, 10% ऑफ द ग्लोबल डिमांड। अब इन लोगों ने अब तक डिसाइड किया था कि भाई ये एवरेज प्राइस पे हम लोग ऑयल बेचेंगे सारे कंज्यूमर को। अब क्या आ रहा है कि जब डिमांड घटती जा रही है तो सारे कंट्री एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन चुके। सऊदी अरेबिया अगर बोल रहे हैं कि भाई मेरे को अपना बिजनेस चालू रखना है और मैं 100 बैरल की जगह 80 बैरल में, $80 में अपना बैरल बेच दूंगा, तो उसके बाजू में जो कतार है या ओमान है, ओके, या लेबनन है या नाइजीरिया है, वो क्या बोलेगा कि आप अगर 60 में बेचोगे तो मैं 40 में बेचने को तैयार हूँ, दूसरा बोलेगा मैं $20 में बेचने को तैयार हूँ, एंड और उसी की वजह से ये प्राइस क्लैश आपको देखने को मिल रहा है, ओके। जस्ट इमेजिन दी लोकल मार्केट, जब 10 सब्जी वाले या 10 कोई भी सिमिलर बिजनेस वाले खड़े हैं, ओके, एक अगर 10 रुपये में देगा, बाजू वाला 8 रुपये में देने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके बाजू वाला 6 रुपये में देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो दिस इज द सिमिलर केस बट ऑन इंटरनेशनल लेवल एंड ऑन लार्जर स्केल, ओके। द ग्लोबल ऑयल प्राइसिंग मेनली डिपेंड्स अपॉन द पार्टनरशिप बिटवीन द ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्टर्स। अब तक तो पार्टनरशिप ठीक ठाक चल रही थी क्योंकि सभी के बिजनेस अच्छे चल रहे थे। जैसे ही बिजनेस में डाउनफॉल आया, सब लोग एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, ओके। अब जो आप ये जो सवाल था आपका कि भाई ऑयल प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं कर देते, कटिंग ऑयल प्रोडक्शन और कम्प्लीटली शटिंग डाउन एन ऑयल वेल इज डिफिकल्ट डिसीजन बिकॉज रिस्टार्टिंग इट इज इमेंसली कॉस्टली एंड कॉम्प्लिकेटेड, ओके। मोर ओवर इफ अ कंट्री कट्स प्रोडक्शन इट रिस्क लूजिंग मार्केट शेयर इफ अनदर कंट्रीज डू नॉट फॉलो द सूट, ओके। चलिए भरोसा रख करके अगर मान लीजिए सऊदी ने बंद भी कर दिए या प्रोडक्शन कट भी कर दिया और कतार ने अगर चुपके चुपके प्रोडक्शन चालू ही रखा या बढ़ा दिया, ओके, और 2 दिन बाद जब लॉकडाउन खुलता है और सारे कंट्रीज आ जाएंगे कि भाई अब हमें इतना तेल चाहिए, उस टाइम पे क्या होगा, सऊदी के पास तेल नहीं होगा, आके कतार खड़ा हो जाएगा कि भाई हमारे पास एक्स्ट्रा ऑयल है आप ले लीजिए, तो वो कंट्री अब सीधा किस पे भरोसा करने लगेगा, कतार पे भरोसा करने लगेगा। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। चलिए तो ये चीज हो रही है, ओके। और रिसेंटली ओपेक हैज बीन वर्किंग विथ रशिया हैज ओपेक प्लस टू फिक्स द ग्लोबल प्राइस एंड सप्लाई, बट वो भी अभी काम करता हुआ नहीं दिख रहा है, ओके। क्रूड ऑयल प्राइसेस वर ऑलरेडी फॉलिंग बिफोर द ग्लोबल लॉकडाउन ड्यू टू द हायर सप्लाई एंड लोअर डिमांड, ओके। जो 2020 में, ओके, जो $60 पर बैरल जो बिक रहा था वो मार्च एंड में कितना हो गया उसका प्राइस, $20 बैरल। इसका फायदा देखिए इंडिया में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ऑयल इंपोर्ट पे हायर टैक्सेस लगा के जो रेवेन्यू में लॉस हो रहा है COVID-19 की वजह से उसको कैच किया जाएगा, ओके। अपने को पेट्रोल 70 या 75 रुपये में ही मिलेगा। जो सस्ता, जो बीच का जो गैप था वो गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू से बैलेंस कर लिया है, ओके, या करेगी आने वाले महीनों में, ओके। देखिए और यहाँ जो सारी डिटेल मैंने जो आपको समझाया वो सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। दिस सप्लाई डिमांड मिसमैच रिजल्ट इन एग्जॉस्टेड स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी ना तो अब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के पास बची है ना ही कंज्यूमर्स के पास बची है, और उसी की वजह से ये दिक्कत आ रही है। कंज्यूमर्स के पास भी देवर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, ओके। तो इसी की वजह से जो आपको नेगेटिव में ये प्राइस देखने को मिल रहा है, ओके। जो मैंने कहा वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। जस्ट पॉज दिस स्लाइड एंड रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस वंस, ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है, ओके, ज़्यादा कुछ इसमें और नहीं है। जो था वो मैंने आपको समराइज करके बता दिया, ओके। देखिए इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फॉर इंडिविजुअल्स इफ द गवर्नमेंट, अब इफ द गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट ऑलरेडी बोल चुकी है कि हम पेट्रोल सस्ता नहीं करने वाले। इफ द गवर्नमेंट पासिस ऑन द लो प्राइजेस टू कंज्यूमर्स
then individual consumption will be boosted whenever the economic recovery starts in India. देखिए ये ऑप्शन काफी प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए. पेट्रोल चाहे 70 रुपए का होगा चाहे 90 रुपए का होगा, हम उसको यूज करने ही वाले हैं. ओके, सो गवर्नमेंट इसका फायदा उठाएगी और गवर्नमेंट किस ऑप्शन के साथ जाएगी? गवर्नमेंट विल गो विद दिस ऑप्शन. इफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू लेवी हायर टैक्सेस ऑन ऑयल, इट कैन बूस्ट गवर्नमेंट रेवेन्यूज जो कि कट हो गए थे COVID-19 की वजह से. ओके चलो, और ये देखिए मंथली एवरेज प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही है क्रूड इंपोर्टेड बाय इंडिया. ओके, और ये प्राइसेस है इन डॉलर पर बैरल. देखिए अप्रैल 2019 में ये प्राइस थी और 20 अप्रैल को आपको देखिए प्राइस $20 जितनी आके खड़ी हो गई है, जो पहले ऑलमोस्ट $70 जितनी थी. ओके, दिस इज सम एक्स्ट्रा स्टफ दैट इज प्रोवाइडेड टू यू. ओके, जो ऑयल मेजरली दो जगह से मिलता है, एक है आपका यूएस फील्ड से मिलेगा और एक है आपका नॉर्थ सी से मिलेगा. ओके, सो जस्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट गो विद दिस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर ओपेक. ओके, आपको ओपेक में कौन से कंट्रीज है, कब ओपेक बना. ओके, और ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेनी है. ओके, ऑन योर ओन. चलिए, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ई रक्तकोष पोर्टल. ओके, अब जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ब्लड. ओके, और ब्लड से रिलेटेड क्या हो सकता है, या तो ब्लड कैंप हो सकता है या ब्लड बैंक हो सकता है. सो दिस इज रिलेटेड टू ब्लड बैंक. अब ई रक्तकोष पोर्टल से गवर्नमेंट ये ट्राई करना चाहती है कि अगर हर छोटी मोटी जो हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वो अगर सिंपल एक इंटीग्रेटेड नेशनल पोर्टल पे अगर सारी अपनी ब्लड डोनेशन की डिटेल अगर डाल दे या ब्लड बैंक की डिटेल डाल दे, तो इन द केस ऑफ इमरजेंसी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हेल्प कर सकती है या सेंट्रलाइज्ड सिस्टम काम आ सकती है. ओके, सो दिस इज द ई रक्तकोष पोर्टल. रिसेंटली द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हु इज डॉक्टर हर्षवर्धन अर्ज्ड द यूज ऑफ द ई रक्तकोष पोर्टल एज अ सिंगल पॉइंट for maintaining real-time information on the status of stocks for each blood group. Okay, ताकि कितना stock है, कौन सा blood group खत्म हो रहा है या कौन सा blood group की और ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है आने वाले time में, उसका real-time movement अपने को पता चले. The health minister has termed the availability of food of blood in blood banks is essential. Okay, देखिए काफ़ी लोगों की it is a tragic for India कि काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है due to the करेक्ट ब्लड ग्रुप एट अ टाइम अवेलेबल नहीं होता. ओके, और इसीलिए ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर ये इंटीग्रेशन हो जाता है और अच्छे से सक्सेसफुल होता है तो. ओके, इन सेवरल ब्लड डिसऑर्डर लाइक थैलेसेमिया एंड हीमोफीलिया रेगुलर ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड इज नेसेसरी. ओके, जो थैलेसेमिया और हीमोफीलिया के जो पेशेंट हैं उनको रेगुलरली महीने दो महीने में अपना पूरा ब्लड चेंज करवाना पड़ता है फॉर द एंटायर लाइफ. ओके, तो ऐसी सिचुएशन में अगर ब्लड बैंक के पास सफिशियंट स्टॉक अवेलेबल रहेगा तो ऐसे जो लोग हैं, दीज आर लैक्स ऑफ पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट, तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. ओके, ई रक्तकोष पोर्टल इज अ सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, और ये एक टाइप का आईटी सॉल्यूशन है. ओके, टू स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रीमलाइन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स गाइडलाइंस एंड वर्क फ्लो ऑफ ब्लड बैंक अक्रॉस द नेशन. ओके, तो ब्लड बैंक्स को कैसे काम करना चाहिए, कैसे ब्लड को हैंडल करना चाहिए. ओके, क्या क्या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको ई रक्तकोष पोर्टल पे देखने को मिलेगी. ओके, इट वाज इनॉग्रेशन डेट उसकी क्या है, 7 अप्रैल 2016. ओके, एंड देन इट इज़ इनॉग्रेटेड बाई देन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इट एनफोर्सेज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट विच इज शॉर्टली नोन एज DNC एक्ट, नेशनल ब्लड पॉलिसी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस इंश्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ब्लड. ओके, और ये सारी जो गाइडलाइंस है उसमें ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड होगी, बायोमेट्रिक होनी चाहिए डोनर की, ब्लड ग्रुपिंग होना चाहिए, TTI स्क्रीनिंग, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, सेंट्रलाइज ब्लड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेट्रा. ओके चलो, अब ब्लड डिसऑर्डर क्या है, जो आपकी खून में अगर कोई डिसऑर्डर है, खून में अगर कुछ कमी है, ओके, तो that is known as blood disorder. A blood disorder is any condition that impacts one or more parts of the blood
यूजुअल इंटरफियरिंग विद इट्स एबिलिटी टू वर्क करेक्टली. ओके, ब्लड डिसऑर्डर कैन बी कैटेगोराइज एज कॉमन ब्लड डिसऑर्डर लाइक एनीमिया एंड रेयर ब्लड डिसऑर्डर लाइक थैलेसेमिया. ओके, अभी आपको मैं बता दूं कि अभी जो कुछ दिनों पहले इरफान खान और ऋषि कपूर, ओके, जो दोनों ही बॉलीवुड के काफ़ी जाने माने एक्टर्स थे, उनकी डेथ हो गई. दोनों की ही मौत कैंसर की वजह से हुई है, ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर. तो ऋषि कपूर को जो कैंसर हुआ था, दैट इज़ वन काइंड ऑफ अ कैंसर कॉल्ड ल्यूकेमिया. ओके, विच अफेक्ट्स योर वाइट ब्लड सेल्स. ओके, द ब्लड डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग रेड ब्लड सेल्स विच इज़ मेनली एनीमिया. और ये आपको एनीमिया के अलग अलग टाइप दिए गए हैं. ओके, और जो वाइट ब्लड सेल्स है वो है लिम्फोमा, ल्यूकेमिया एंड मल्टीपल मिलोमा. ब्लड डिसऑर्डर अफेक्टिंग ब्लड प्लाज्माज लाइक हीमोफीलिया. ओके, और जो प्लेटलेट्स को असर करेंगे वो है आपका थ्रोम्बोक्टिपेनिया. ओके, तो ये आपके हो गए ब्लड ब्लड डिसऑर्डर के कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज अर्थ डे. ओके, सो एवरी ईयर 22nd अप्रैल इज सेलिब्रेटेड इज अर्थ डे फ्रॉम 1970. तो 2020 में ये सेलिब्रेशन के कितने साल पूरे हो रहे हैं, 50 ईयर्स सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट. और क्यों ये अर्थ डे मनाया जाता है, टू रेज द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट एंड इंस्पायर पीपल टू सेव एंड प्रोटेक्ट इट. और 2020 का जो अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया, ओके, एंड दिस इज सेलिब्रेटेड मोस्टली ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. ओके, सो द थीम ऑफ द अर्थ डे 2020 इज क्लाइमेट एक्शन. ओके, इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1970 एंड इट इज नाउ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबली बाई द अर्थ डे नेटवर्क एंड सेलिब्रेटेड इन मोर देन 193 कंट्रीज ईच ईयर. द आइडिया ऑफ कोमोमोरेटिंग सच अ डे वॉज propounded by Gaylord Nelson, an American environmentalist and politician. The Earth Day also recognizes the collective responsibility as called for in Rio Declaration, okay, to promote harmony with nature and earth to achieve a just balance among the economic, social and environmental needs of present and future generations of humanity. Jis pe hamari governments zyada kaam nahi karte, koi government is pe zyada kaam नहीं कर दिया. दैट्स वाई ग्रेटा थनबर्ग जैसे जो एक्टिविस्ट है, ओके, उन लोगों को सामने आना पड़ता है कि भाई आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, या तो ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कीजिए जो नेचर के साथ हारमोनी में हो. ओके, ये लॉकडाउन की वजह से हम आगे के वीडियोज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस अपने हमको अराउंड द अर्थ, अराउंड द एटमोसफियर देखने को मिल रहे हैं. ओके, जो वाटर बॉडीज है, अपने जो जंगल्स है, अदर बायोडाइवर्सिटीज है, वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है. ओके, विद इन देखिए 30-35 दिन हम रोड से दूर रहे, फैक्ट्रीज हमारी बंद रही और सारे लोग अपने अपने रूट तक आना स्टार्ट कर दिए, सारी बायोडाइवर्सिटीज अपने रूट में आना स्टार्ट कर दी. तो सोचिए कि हम लोगों ने कितना डिजास्टर फैलाया होगा अक्रॉस द ग्लोब. ओके, चलिए, वर्ल्ड अर्थ डे 2020 इट इज़ अ डिजिटल सेलिब्रेशन. क्यों? क्योंकि COVID-19 लॉकडाउन की वजह से जो गैदरिंग होना चाहिएगा अर्थ डे के सेलिब्रेशन के लिए वो नहीं हो पाया है. ओके, और इसके जो इसको कमोमोरेट करने के लिए गूगल ने क्या किया था, अपना एक स्पेशल इंटरेक्टिव डूडल बनाया था जो कि डेडिकेटेड था किसको, द बीज. ओके, सो अ स्पेशल इंटरेक्टिव डूडल डेडिकेटेड टू वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल ऑर्गेनिज्म द बीज टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द अर्थ डे. ओके, और वो सेलिब्रेट किया गया डिजिटली अंडर द 24 hours ऑफ एक्शन. ओके, चलिए, और यहाँ पे मैंने कुछ आपको डेज दिए हुए, 22nd मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22nd अप्रैल अर्थ डे, 22nd में वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, और जो रिसेंटली हमने अभी एक दो वीडियोज के पहले जो डिसाइड किया था कि भाई अर्थ आर. सो अर्थ आर एंड अर्थ डे इज डिफरेंट. Earth Hour is celebrated at 28th March in 2020. Okay, and it encourages people to switch off the lights from 8:30 to 9:30 as per their local timings. Okay, so Earth Day or
आपका अर्थ आर इज अ डिफरेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके चलिए, नेक्स्ट इज ऑल्सो सिविल सर्विसेज डे। ओके, जिसके लिए हम आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, जीपीएससी यूपीएससी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सो एवरी डे 21 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अ सिविल सर्विसेज डे बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्यों 21 अप्रैल को ही चुना गया? देखिए, सिविल सर्विसेज का जो स्ट्रॉन्ग आइडिया था, ओके, वो आइडिया दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उसको एक्सप्लोर किया, एक्चुअली उस आइडिया को ग्लोरीफाई किया। ओके, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये कहना था कि अगर किसी कंट्री की ब्यूरोक्रेसी अगर एफिशिएंट और ऑनेस्ट होगी, ओके, तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, लीडर्स आर एट देयर ओन प्लेस, ओके, पीपल आर एट देयर ओन प्लेस, बट अगर ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम करेगी तो देश आगे बढ़ेगा। ओके, और क्यों 21 अप्रैल को चुना गया? क्योंकि इन 1947, ओके, पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रोबेशनर्स, आईएएस ऑफिसर्स जो थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ऑफिसर्स थे, ओके, तब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं था, ओके, क्योंकि तब इंडिया बना ही नहीं था। ओके, सो 1947 में कॉमोमोरेट करने 1947 में उन्होंने स्पीच दिया था। ओके, द फर्स्ट स्पीच, द फर्स्ट एड्रेस टू द प्रोबेशनर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स। ओके, और वो कहाँ दिया गया था? जो वेन्यू था वो मेटकाफ हाउस दिल्ली था। ओके चलिए, और उन्होंने रेफर किया था सिविल सर्वेंट को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ओके चलिए, और 2006 से गवर्नमेंट ने और एक चीज स्टार्ट की है, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ताकि जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऑफिसर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन दिया जाता है। ओके, और ये थोड़े बहुत फैक्ट्स है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट सबको पता है। बॉर्न हुआ था उनका 31 अक्टूबर 1875 नडियाद गुजरात में। ओके, और सरदार के नाम से जाने गए वो आफ्टर दी बारडोली सत्याग्रह। ओके, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका इंटीग्रेशन करके सबको इंडिया में जोड़ दिया था। अब ये सारी चीज़ें अपने हिस्ट्री में पढ़ ही चुके हो। वो फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके चलिए, ही ऑल्सो वर्कड हार्ड एज अ सोशल लीडर ऑफ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ओके, उनको सरदार की पदवी दे दी गई थी। ओके, उन्होंने एक भारत का नारा दिया था। ओके, एंड दैट्स वाई दी 31 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इज नेशनल यूनिटी डे। ओके, और 31 अक्टूबर 2018 को इनोग्रेशन किया गया था वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का। तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड रिवाइज द फैक्ट्स अबाउट स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ओके चलिए, आई होप द सिविल सर्विसेज डे इज ऑल्सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज 5th annual मीटिंग ऑफ NDB, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। नाउ जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड थिंक फॉर अ बिट दैट NDB किसके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। ओके, तो NDB जुड़ा हुआ, तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिनेंस ने अटेंड की 5th annual मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। और ये NDB जो बैंक है आपका, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, वो रिलेट करता है ब्रिक्स कंट्रीज के साथ। ओके, और जॉइंटली फाउंड किया गया था बाई दी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दोज आर ब्रिक्स कंट्रीज, इन फोर्टालीजा ब्राजील इन 2014। और इस बैंक का मेन काम क्या रहेगा? जो आपके ब्रिक्स कंट्रीज है उनमें कैसे डेवलपमेंट बढ़ाया जाए, कैसे उनको मॉनिटरी हेल्प की जाए। ओके, यही सारी चीज़ें उनको देखनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है। ओके चलिए, हम पॉइंट वाइज जाते हैं। इट वॉज फॉर्म्ड टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स इन ब्रिक्स एंड अदर अनडिजर्व्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज फॉर फास्टर डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट शंघाई, चाइना। इन 2018 द NDB रिसीव्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, एस्टैब्लिशिंग अ फर्म बेसिस फॉर एक्टिव एंड फ्रूटफुल कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब 2018 से NDB एक ऑब्जर्वर स्टेटस उसको मिल चुका है। ओके, कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में।
और उसके ये उसके मेन ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया, फॉस्टरिंग डेवलपमेंट इन दी मेंबर कंट्रीज, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना है, कॉम्पिटिटिवनेस और जॉब क्रिएशन के लिए काम करना है, ओके, और बिल्डिंग अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म अमॉन्ग दी डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये उसका काम है। अब तक एनडीबी ने 14 प्रोजेक्ट अप्रूव किए इंडिया में, जिसकी टोटल वर्थ है 4,183 मिलियन डॉलर्स, ओके। और जो नोवल कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक चल रहा है, उसमें भी एनडीबी ने ब्रिक्स कंट्रीज को हेल्प किया है, मॉनेटरी हेल्प किया है, जिसमें से टोटल जो हेल्प था 5 बिलियन डॉलर का, उसमें से इमरजेंसी असिस्टेंस इंडिया को मिल रहा है कितना, 1 बिलियन डॉलर का, टू कॉम्बेट कोविड-19 पेंडेमिक, ओके। और एक चीज़ इसमें है कि द असिस्टेंस अंडर दिस फैसिलिटी वॉज सजेस्टेड टू बी एनहांस्ड टू 10 बिलियन डॉलर, अगर ये लंबा खींचता है कोविड-19, तो 10 बिलियन डॉलर तक की मॉनिटरी हेल्प इंडिया को की जाएगी। ऑल्सो ब्राज़ील थैंक्ड इंडिया फॉर सेंडिंग क्रिटिकल ड्रग्स फॉर टाइमली मैनेजमेंट फॉर नोवेल कोरोना वायरस इन ब्राज़ील, ओके। और ये ड्रग्स का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ओके, जो इंडिया ने काफ़ी सारे अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ को भेजा, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को भेजा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओके, म्यांमार, मालदीव्स, अगर ओवरसीज की बात करें तो यूएसए को भेजा गया है, इटली को भेजा गया है, ब्राज़ील को भेजा गया है, तो ये सारे का इसराइल को भेजा गया, ये सारे कंट्रीज़ ने इंडिया को थैंक यू बोला गया, भाई आपने इतने इमरजेंसी वाले टाइम में भी हमारी हेल्प करने से आप नहीं चुके हो ऑन दी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ओके। और एनडीबी कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं बाकी ऐसी जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ओके। चलिए, और कोविड-19 से लड़ने के लिए इंडिया की तरफ से ये स्टेप्स लिए गए हैं, ओके। ऑलरेडी हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज हमें पता ही है कि स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर टू स्ट्रेंथनिंग दी हेल्थ केयर, ताकि जो बेसिक इक्विपमेंट है, मास्क है, वेंटिलेटर है, उसकी कमी ना हो, उसके लिए ये स्कीम चलाई गई है। दूसरी स्कीम चलाई गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें डायरेक्ट मॉनिटरी हेल्प दी जा रही है ऐसे लोगों को जो गरीब है, जो बीपीएल कैटेगरी के जो लोग हैं, ऑलमोस्ट 80 करोड़ जो लोग हैं, ओके, उनको ये मदद पहुंचाई जा रही है, ओके। इसके अलावा जो मॉनिटरी पॉलिसीज कर दी, जो मॉरेटोरियम 3 मंथ का मॉरेटोरियम पीरियड दे दिया गया है कि भाई आपको अगर आपका लोन का जो इंस्टॉलमेंट है वो 3 महीने के बाद भी आप चुका सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, आपका नाम ब्लैकलिस्ट में नहीं आ जाएगा, ओके। सार्क कंट्रीज को इंडिया हेल्प कर रहा है ऑपरेशन संजीवनी, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो हर जगह पहुँचाया, ओके। सो इंडिया अपने एंड से, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इंडिया इज डूइंग सो वेल दैट इवन WHO इज अपने प्रेजिंग अस, USA इज प्रेजिंग अस, एंड ऑलमोस्ट ऑल कंट्री, ओके, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रेजिंग इंडिया फॉर इट्स कंडक्ट ऑन कोविड-19, ओके। चलिए, तो दिस वॉज योर करंट अफेयर्स फॉर टुडे। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट फॉर एनी ऑफ द टॉपिक, ओके, एंड जस्ट बी प्रोडक्टिव इन योर एम्प्टी टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।